हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नव एजुकेशन पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नई आरएएस भर्ती को लेकर आ रही बड़ी खुशखबरी के बारे में। वैसे दोस्तों दो तीन दिन पहले ही आपको इसके बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन अब न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर के द्वारा इस खबर की पुष्टि कर दी गई है कि नई आरएएस भर्ती 2024 की अभ्यर्थना सरकार को भेज दी गई है। हालांकि दोस्तों इसमें पदों की संख्या 500 ही बताई गई है। इसके मुताबिक राज्य सेवा के लिए 250 पद हैं और अधीनस्थ सेवाओं के लिए भी 250 पदों की अभ्यर्थना मिली है। दोस्तों इस अभ्यर्थना का आरपीएफसी के द्वारा अब परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के बाद में इसे फुल कमीशन में रखा जाएगा और दोस्तों अगर किसी तरीके की कमी होगी तो इस अभ्यर्थना को वापस भी भेजा जा सकता है, और अगर किसी तरीके की कमी नहीं होगी तो साथ के साथ फिर इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर अभ्यर्थना में किसी तरीके की कमी नहीं होती है तो पूरी संभावना है कि अब सितंबर के महीने में इसकी कभी भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, और दोस्तों फिर दिसंबर अंत या फिर जनवरी के महीने में आरएएस परी भी हो जाएगा। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि आरपीएफसी के द्वारा 2.5 से लेकर 3 महीने का वक्त ही दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 की अपडेट आपको अगले वीडियो में दे दी जाएगी।